रोहित विराट समेत इन खिलाड़ियों को मिल सकती है जगह श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में भारत की प्लेइंग 11। भारत और श्रीलंका के बीच आज यानी 2 अगस्त शुक्रवार से 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होना है। वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच के जरिए रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे तमाम स्टार्स और सीनियर खिलाड़ियों की टीम में वापसी हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि पहले वनडे में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में आखिर किसे किसे जगह मिल सकती है। टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग पर दिखाई दे सकते हैं, वहीं विराट कोहली अपनी पुरानी पोजीशन नंबर 3 पर आ सकते हैं। हालांकि कोहली और गिल की पोजीशन आपस में बदल भी सकती है, ये माना जा रहा है। यानी कोहली ओपनिंग पर भी दिख सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग पर आखिर कौन नजर आता है। मिडल ऑर्डर की शुरुआत श्रेयस अय्यर के साथ हो सकती है, इसके बाद नंबर 5 पर केएल राहुल नजर आ सकते हैं। वहीं ऋषभ पंत की जगह केएल राहुल को वनडे सीरीज में तरजीह दी जा सकती है। इसके बाद रियान पराग नंबर 6 पर नजर आ सकते हैं। भारत के लिए टीम T20 में डेब्यू कर चुके रियान पराग का वनडे डेब्यू भी हो सकता है। पराग ने T20 सीरीज में शानदार ऑलराउंड क्षमता दिखाई थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए उन्हें वनडे टीम में शामिल किया जा सकता है। फिर ऑलराउंडर अक्षर पटेल 7वें नंबर पर देख सकते हैं। इसके अलावा बॉलिंग डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव मुख्य स्पिनर के रूप में नजर आ सकते हैं। वहीं पेस बॉलिंग में मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और खलील अहमद की तिगड़ी भी दिखाई दे सकती है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पर, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।